इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत आज से इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 1,15,000 तलबा के लिए 211 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। तस्वीर बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, आज से इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत इम्तिहान का आगाज हो चुका है और आज जूलॉजी का सेकंड ईयर का पहला पर्चा है। तमाम इम्तिहानी मराकज में बरवक्त पर्चा पहुंच गया था। किसी इम्तिहानी मराकज से कोई शिकायत ताहल मौसूल नहीं हुई कि वहां पर्चा नहीं पहुंचा या दिगर कोई प्रॉब्लम से। 211 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं और 1,00,000 से ज्यादा तलबा और तलबात आज इंटर के इम्तिहान दे रहे हैं। इस वक्त चेयरमैन इंटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं दफा 44 के हवाले से कि वो नाफिज है या नहीं है। जी हाँ, हमने होम सेंटर को ये लेटर लिख दिया था, उन्होंने कहा है कि हमने 144 इम्पोज कर दिए और होम सेक्रेटरी और तमाम रेस्पेक्टिव डीआईजी को भी लेटर लिख दिए ताकि तमाम सेंटर के बाहर पुलिस मौजूद हो। ताहल तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन डेफिनेटली आज पहला पेपर है। आपने इंटर बोर्ड में कंट्रोल रूम कायम किया था, वहां पर कोई शिकायत मौसूल हुई कि पर्चा नहीं पहुंचा या कोई और मामला से मुताल्लिक इंतजामी मामला? 9:30 तक, हालांकि पेपर 9 बजे शुरू हुआ, लेकिन 9:30 तक किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कंट्रोल रूम के अंदर तमाम जगह पर्चा भर वक्त और तमाम जो सीसीओ थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म करते हैं वो सीसीओ कि वो तकरीबन 9:45 और 8:30 और 9:45 के दरमियान तमाम रेस्पेक्टिव सेंटर पे पहुंच जाते हैं। आज से इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत इम्तिहान का आगाज हो चुका है। सुबह और शाम की शिफ्ट में ये पर्चे लिए जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। आज पहला पर्चा था और तालिबिन जो है अपने साल भर की मेहनत जो है वो आज इम्तिहान की सूरत में दे रहे हैं और उन पर उम्मीद है कि वो अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। जी।